जब आप कोई काम करते हैं और काम करके बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और थक कर आप सो जाते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं जोंक आउट। जोंक आउट का मतलब होता है बेसुध होकर सो जाना या बहुत ज़्यादा थक जाते तब जाकर सो जाना। जैसे शी वॉज सो टायर्ड, शी जोंक आउट वैन शी केम होम। मतलब वो इतनी बहुत ज़्यादा टायर्ड थी तो जैसे ही वो घर आई वैसे ही वो थकावट के कारण सो गई। टर्न डाउन का मतलब दो तरह से होता है। पहला तो होता है किसी चीज़ को धीमा कर देना, जैसे कोई साउंड हो उसको धीमा कर देना, डिक्रीज द वॉल्यूम। और दूसरा मतलब होता है रिफ्यूज़ या मना कर देना। मना कर देने वर्ड में भी हम टर्न डाउन का यूज़ करते हैं। जैसे आई आस्क हिम फॉर मनी बट ही टर्न मी डाउन, मतलब मैंने उससे पैसे मांगे बट उसने मुझे मना कर दिया। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो अगर वॉल्यूम को धीमे करने की बात करें तो उसमें प्लीज़ टर्न डाउन दी म्यूज़िक, मतलब म्यूज़िक को थोड़ा धीमा कर दीजिए। टर्न ऑफ, टर्न ऑफ का मतलब होता है स्विच ऑफ कर देना, किसी चीज़ को हैंडल के थ्रू बंद कर देना। और एक इसका मतलब होता है बोर हो जाना। अगर आपको बोर वर्ड की जगह आप टर्न ऑफ यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, दिस म्यूज़िक ऑलवेज टर्न मी ऑफ, ये गाना मुझे हमेशा बोर करता है। प्लीज़ प्ले समथिंग एल्स, कृपया दूसरा चला दीजिए। और अगर मैं इसको स्विच ऑफ है तो प्लीज़ टर्न ऑफ दी लाइट्स, प्लीज़ टर्न ऑफ दी लाइट, लाइट बंद कर दीजिए, प्लीज़ टर्न ऑफ दी लाइट। टर्न ऑन, टर्न ऑन का मतलब होता है स्विच ऑन कर देना। और एक और इसका मतलब होता है किसी चीज़ में इंटरेस्ट आना। जैसे मैंने आपको बताया टर्न ऑफ का मतलब बोर हो जाना और टर्न ऑन का मतलब होता है इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट आना, मज़ा आना। तो जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्लीज़ टर्न द हीटर ऑन, प्लीज़ हीटर ऑन कर दीजिए। वॉट काइंड ऑफ म्यूज़िक टर्न यू ऑन, आपको किस तरह का म्यूज़िक पसंद है, या फिर आपको किस तरह के म्यूज़िक में इंटरेस्ट है।